महाप्रभुक प्रति भाव तो सब आम तो सब नाम कीर्तन मजी जाऊ बर्तमान मोर भी आसवार ना एमती कि गोटे सी मत टाणी नहीं कि आसे मुझे प्रिपेरेसन नी आसपा गोटे बह भोजी में आसती कि आसवाक ना कि बाध्य पिला तो मत टाणी जगन्नाथ चल ये मोर आसवा आगम ही था प्रकृत कथा मुझे देहपा आसा मुझे आसवा कथा नुहे हाथ गोड़ ना कि टाणी आणती निश्चित टाणी आणती तांकर से कृपा अच्छी लोकों पर भगवान सीना तांकर दया निश्चित आम उपर अच्छे निश्चित भाव अनुभव जो थाए से अनुभव बखाणु किभली भाव में सी टाणी आनी था समस्त मनरे से ही श्रद्धा से ही विश्वास से ही आशा से ही आकांक्षा केमती महाप्रभु दर्शन टिके पाइबू जो मैंने दर्शन करश्चिंत भाव में भाव बखाणु जो दर्शन करना तांकर जो दर्शन पाई जो अनुभूति रही सी निश्चित भाव में बखाणुंबं पूर्वर महाप्रभुंर से सानिध्य पाई कि आनंद रही से आनंद बखाणुं तेणु निश्चित भाव में ये जो भक्तिमय परिवेश सृष्टि होती सिंहद्वार ब्यारिकेड बाहर आपड़ देखुं अनुरूप भाव में पतित पावन को यही जो निजर श्रद्धा निजर जो भक्ति निजर जो भाव बखाणुं अर्पण कर समस्त श्रद्धाड़ एठी एकाकार एवं समस्त मनरे नुआ एक उद्दीपना रही नुआ एक आशा रही माँ दस माँ केमती कौन महाप्रभु अनुभव ठीक है से ठीक अच्छे ठीक ना पावन को दर्शन कर लुह आसी जाऊँ माँ प्रभु से सब जाने मुझे जानी कहीं लुह आसूँ कौन हो से कथा जानपार प्रभु हे मंगलमय श्री चरण तले केमी ए दिन सरी नाम धरी केमती चली से तार पाखे दया आई ना जगतर कथा अस्पष्ट हो जाए मनरे जो भावना अच्छी पतित पावन को जनऊ जनऊ भाव बिड़ एवं शेष जीवन में जमी समस्त कामना थाए जे महाप्रभु निज पाख को नहीं जाओ ये संसार रू पारिकर सेमती भाव माँ जो रही से भक्ति भरा कथा आखि छल छल हो जाता एवं सी मानने दर्शन रे जो सानिध्य पाँच पतित पावन को यही बैरिकेड बाहर दर्शन निश्चित भाव आज्ञा कौट आसते माँ पूरी प्रत्येक दिन दर्शन करती महाप्रभु को केते सुंदर लगे से दर्शन कर अंधार आसुचु देखिक आलती देखिक ये करके दर्शन करती देखुं सब सका शीत गाधे महाप्रभु को दर्शन करने समय बाहर कर चारटा रात उठिक ये करके दर्शन करूँ निजे चलिकी जीवु टी बुढ़ा घेनिक आस चलिक ये कर प्रभु को दर्शन करके सका सका उठे गाधे महाप्रभु पाख को आसवा एत शीतर बयसर से अपराह्नरे एभली समय जो आसे एभली सुजोग जो आसे कई हाथ छड़ा करने को चाहती ना कहीं महाप्रभु सानिध्य मिले जिते कष्ट होना कहीं जिते शीत होना कहीं जिते बाधा होना कहीं भितर आसी था से भगवान पाखर अटकवापी कौन सी भक्त मैं कहीं भी न था से भक्त को अटकवापी आम पुणी थे सिंहद्वार फेरी जा चाहिए सिंहद्वार से दर्शन टिके करिबा जेहेतु सिंहद्वार पतित पावन दर्शन सहित से जो भक्त माने रही धीरे धीरे भिड़ जमुची सिंहद्वार को फेरिया चाहिए एवं आप देखुए धीरे धीरे सिंहद्वार में लोक वृद्धि बा श्रद्धा भक्त संख्या वृद्धि जो कार्यक्रम आरंभ होता टी भक्त भिड़ कम रही जेहेतु सड़ द्वार फिटा होता
ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସିଧା ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ। ଏଠି ଭିଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଯେହେତୁ, ଯଦିଓ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେହେତୁ ଆସିଲେଣି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା। ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନିଜର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଜଣାଇକି ବା ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଆଶା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି। ମା କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଥିଲା ଭୋରୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଆସିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଯିବେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଆଶା ଥିବ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। କାଲି ଆସିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଦେଖିଲୁ, ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସକାଶେ ଆମେ ଆସିପାରିଲୁନୁ ଭୋର, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ କ'ଣ ଜଣେଇବେ? ସେସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ସେ ତ ଭାବଗ୍ରହି। ମା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଅଛି, ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ହଁ ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଚାଲିଲା ଟିକେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। ସବୁ ସତ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା? କାଲି ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଭାବିନଥିଲି ସେମିତି, ସେ ତ ସହଯୋଗ କଲେ ସବୁ କଥା ଭଲରେ ଟାଣିଦେଲେ। ହଁ ସେଇ ପ୍ରକାର, ସେଇଟା ନିଜ ଅନୁଭୂତି, ସେଇଟା କହିହେବନି, ଭାଷା ଯାଇ ହେବନି ତାକୁ।